हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम था, असिस्टेंट टीचर भी बोलते हैं इसको, 69,000 पदों के लिए जो भर्ती थी उसका जो एग्ज़ाम हुआ है उसका। इस वीडियो में हम टीचिंग साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का पोर्सन आया था जो आपका, वो इस वीडियो में हल करेंगे। बाकी पोर्सन की भी मैं हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए बस आपको क्या करना है, जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है वो दबाना है और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ताकि नया वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं पेडागोजी का ये वीडियो। टीचिंग साइकोलॉजी एंड पेडागोजी है दोनों, सॉरी दोनों शामिल है इसमें। तो 106 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलो इस 106 से ही शुरू थे और अब देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं कथन निम्न से? तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं होता, कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया नहीं होती। जो शिक्षण है वो कक्षा के बाहर जैसे समाज में रहते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहीं पर भी कैसे भी वातावरण में, सामाजिक वातावरण में रहकर पूर्ण की जा सकती है। आगे, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका क्या कारण था? नामांकन में वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। उद्दीपन उन्कीर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये पैवलोव थे, इन्होंने उद्दीपन उन्कीर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे है, पढ़ने और लिखने की समस्या अक्षमता या समस्या भी बोलते हैं इसको, अक्षमता ये होती है डिसलेक्सिया, पठन विकार होता है डिसलेक्सिया। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो ये H.G. बर्नेट ने कहा था। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय व अपरोधन पर विचार किया? तो ये यशपाल समिति थी, इसने अवरोधन पर विचार किया। आगे, ये परम शून्य स्थिति है, ये आप चेक कर लीजिए नेट से। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? तो पाठ की प्रस्तावना होती है जो उसमें पूर्व ज्ञान करवाया जाता है बच्चों को, इसमें ये पढ़ेंगे हम, पाठ की प्रस्तावना में यही बताया जाता है कि हम ये पढ़ेंगे, उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है पूर्व ज्ञान देकर। आगे, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो 2005 में प्रस्तुत की गई है। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है। तो एक डेफिनेशन है, ये मेरे को कहीं इसका आंसर नहीं मिला, इस वजह से मैं छोड़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। आपको कहीं से मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई? तो दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए हुई, रिहेबिलिटेशन एक्ट पारित किया इस परिषद ने। तो ये दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए कार्यरत समिति है। ये विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है? तो मस्तक का दुभंगी नियम और निकट से दूर का नियम दोनों को शामिल करता है ये। आगे है, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्ति की विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो मार्गरेट मीड के अनुसार मनोवैज्ञानिक है जो, वो सबसे साइकोलॉजिकल फैक्टर सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ब्रेल लिपि का जनक लुईस ब्रेली आपको सभी को पता होगा। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव ने दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थी जो वो स्किनर ने दी थी। यह है एरिट्री जीनियस नामक पुस्तक के लिए किसी के द्वारा लिखी गई? तो ये गाल्टन के द्वारा लिखी गई, गाल्टन के द्वारा ये लिखी गई। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो ये सभी हैं जो प्रभावित करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग और चोट सभी प्रभावित करते हैं ये। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, गेने के अधिगम सोपान का सही क्रम कौन सा है? तो
गिनने ने जो अधिगम का सोपान बताया था उसमें पहले संप्रत्यय अधिगम होता है, फिर नियम सीखना होता है या नियम का अधिगम होता है, फिर समस्या समाधान होता है। तो इस वजह से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा आपका। आगे है 124वां क्वेश्चन। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। तो इसमें क्या होता है कि उद्भवन, इनकम्बेशन, इनकम्बेशन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें व्यक्ति समस्या को एक तरफ छोड़कर अन्य किसी विचार में लग जाता है, तो ये उद्भवन कहलाता है। आगे है, ये तो जीके का क्वेश्चन था, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। आगे जीके पोर्शन आ गया आपका। तो इस वीडियो में बस हम यही जो टीचिंग साइकोलॉजी एंड पैडागोजी के क्वेश्चन आए थे वही हल करेंगे, बाकी पोर्शन को हल करने के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।